दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 4 स्लीपर सेल को किया गिरफ्तार। बरामद हुए 13 पिस्तौल और गोला बारूद। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 स्लीपर सेल के सदस्य गिरफ्तार किए हैं और उनके पास से 13 अत्याधुनिक स्वचालित पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, 2 मैगजीन और 34 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक शर्मा, वीर सिंह उर्फ आकाश, सागर राणा और दीपक मृदुल के रूप में हुई है। पुलिस ने इस गिरोह की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गोगी गैंग के 4 प्रमुख सदस्यों की पहचान। इन स्लीपर सेल के सदस्य आपराधिक गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन ये गिरोह के शूटरों को हथियार, गोला बारूद और रसद सहायता प्रदान कर रहे थे। आज आपके समक्ष बैठा हूँ क्राइम ब्रांच के 3 अच्छे काम लेके। हमारी 3 अलग अलग डीसीपीज की टीमों ने 3 अच्छे काम किए हैं। पहला अच्छा काम डीसीपी विक्रम जे हो लीड करते हैं हमारी एक रीजन को क्राइम ब्रांच की, उसमें उनके साथ एसीपी रोहताश जो हमारी ER1 की टीम है वो सुपरवाइज करते हैं और उनके साथ SI संजय, SI गवर्नर सिंह, ASI अजय कुमार, हेड कांस्टेबल मेहताब सिंह, हेड कांस्टेबल अजय मावी, हेड कांस्टेबल रे सिंह और हेड कांस्टेबल मोहित और कांस्टेबल दीपक और इनको साथ में SI संजय तैयारी कर रहे थे और इंस्पेक्टर गुरमीत की टीम इनको लीड कर रही थी। इन्होंने एक गैंग को पकड़ा है, 4 लोग पकड़े हैं और ये 4 लोग बैंड बाजा बारात गैंग के नाम से जाने जाते थे। ये चारों लोग मध्य प्रदेश में एक राजगढ़ जिला है वहाँ से आते हैं और वहाँ पर कड़िया एक गाँव है और गुलकेशी एक और गांव है, गुलकेशी भी बोलते हैं उसको, वहां से ये लोग आते हैं। इनका बड़ा ही यूनिक मोडस ऑपरेंडी है और आप हैरान होंगे कि ये लोग अपने गांव से दूसरों की फैमिली को ऑन कंट्रैक्ट अनुबंध पर लेकर आते थे। पूरा एक बकायदा वर्बल कंट्रैक्ट होता है दूसरी फैमिली के साथ, उस फैमिली की जो फैमिली मेम्बर्स हैं औरतें और बच्चे उनको साथ लेकर ये हिंदुस्तान के पॉश एरियाज में जहाँ पर शादियाँ हो रही हैं बैंक्वेट हॉल्स में और बैंक्वेट गार्डन्स में वहाँ पहुँचकर ये जो टारगेट करते थे ऐसे बैग्स को आप सभी जानते हैं कि शादियों में अक्सर लोग बैग में कैश और ज्वेलरी लेकर चलते हैं, शादियों में काम आने वाली चीज़ होती है। तो जैसे ही इनको कोई अनअटेंडेड या किसी के कोई ऐसा बैग दिखा और जरा सी किसी की नज़र चूकी तो ये लोग अपने साथ लाए हुए लेडीज को इवन बच्चों को यूज करके बैग को वहाँ से चुपचाप गायब कर लेते थे और कैस्केडिंग इफेक्ट के साथ, एक चेन इफेक्ट के साथ जिसे बोलते हैं कि बैग ऐसे उठाया, दूसरे आदमी को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथा पहुँचा रेलवे स्टेशन, वहाँ से सीधा बैग ले गए, अपने गाँव पहुँच गया कैश के साथ और ज्वेलरी के साथ। तो अगर कोई पकड़ा भी गया तो कैश और ज्वेलरी तब तक उनके गांव पहुंच चुकी होती थी। तो ये बहुत ही एक यूनिक तरीका है बैंड बाजा बारात के, हमने 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। इसका जो सरगना है, जो हेड है वो उसका नाम है राजू राजकुमार और साथ में हमने मोहित पकड़ा है, सुमित पकड़ा है और करण को पकड़ा है और इनके पास से हमारे को 500 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और 13 सिम कार्ड मिले हैं जो फेक आइडेंटिटी पे यूज हुए हुए हैं और पूछताछ करने पर और हम लोगों ने केसेस पे काम भी कर रहे थे, इन्होंने बताया कि ये काफ़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। कुछ CCTV फुटेजेस हमारे को मिले हैं, हिसार में एक अभी रिसेंटली इसी तरह की वारदात हुई थी उससे ये कनेक्ट भी हो गए हैं। साथ साथ अलीपुर के 2 केस, अलीपुर में हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर शादियाँ होती हैं, बैंक्वेट गार्डन्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, वहाँ पर ये लोग अपना क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे और साथ में मैदानगढ़ी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ भी इस तरह के केस दर्ज हैं, वहाँ भी बैंक्वेट हॉल्स हैं और बैंक्वेट गार्डन्स हैं, तो वहाँ भी एक केस कनेक्ट हो चुका है। अब तक हम लोग 4 केस कनेक्ट कर चुके हैं और पूछताछ जारी है। इनका एक और मोडस ऑपरेंडी है कि ये जो 4 लोग हैं या इनके जितने साथी हैं वो सभी उसी जगह से ही आते हैं और ये लोग जब अरेस्ट होते हैं, उसके जब बेल मिलती है तो दोबारा कभी टर्न अप नहीं होते, कोर्ट में दोबारा पेश नहीं होते और सभी के सभी PO डिक्लेयर हो जाते हैं। तो इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल था, हम लोगों के पास काफ़ी शिकायत भी आ रही थी, केसेस दर्ज हो रहे थे
दूसरी स्टेट से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी कि वहां भी इस तरह की हरकत हो रही है, तो हमने ये चार लोग गिरफ्तार करके बैंड बाजार बारात गैंग को हमने बस्ट कर लिया है। और शादियों में होने वाली जो वारदातें हैं जिसमें बैग चोरी होते हैं कैश और ज्वेलरी के साथ, उस पर अब मुझे लगता है काफी रोकथाम होगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।